नमस्कार। हिंदी पाठ्यक्रम में लेखन कला के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सार लेखन। आप यह अनुभव करते होंगे कि आप कई बार छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। कुछ लोग बड़ी लंबी चौड़ी बात को भी बहुत छोटे शब्दों में बता देते हैं। बात करने की ये दो अलग अलग कलाएं हैं, या यूं कहिए कि दो अलग अलग तरीके हैं। जब किसी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो इसे भाव पल्लवन कहते हैं, और जब किसी बड़ी बात को कम शब्दों में समझा देते हैं तो इसे सार लेखन या संक्षेपण कहते हैं। तो आज हम जानेंगे सार लेखन के बारे में। तो जानते हैं एक प्रोफेसर बाल गोविंद मिश्र के अनुसार कि किसी रचना की अर्थी संरचना को अव्याहत रखते हुए उसकी भाषिक रचना को एक तिहाई भाषित रचना में पुनर्सर्जित पुनर्सुर्जित करने की प्रक्रिया को संक्षेपण या सार लेखन कहते हैं। इसको हम सरल भाषा में कहते हैं कि इस तरह कह सकते हैं कि किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत व्याख्या, वक्तव्य, पत्र लेखन, लेख तथा निर्देशों के उस संयोजन को संक्षेपण कहते हैं, जैसे अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्ति और आवश्यक बातें निकाल दी जाती है तथा अनिवार्य तत्वों को संयोजन किया जाता है, यानी कि इसमें जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं उन्हीं को लिखा जाता है। अब जानते हैं कि सार लेखन के कुछ विशेष बातें। सार लेखन लिखते समय कुछ विशेष नियम होते हैं, उनका हमें ध्यान रखना होता है। पहला है संक्षेपण या संक्षेप में लिखा हुआ हो, यह पूरे भाग का तिहाई हिस्सा होना चाहिए। आप एक पूरा पाठ का या किसी अनुच्छेद का आपको एक तिहाई हिस्सा ही सारांश में लिखना है। केंद्रीय भाव की अभिव्यंजना स्पष्ट हो, यानी कि मुख्य क्या हम उसमें कहना चाहते हैं, मुख्य भाव की अभिव्यंजना होनी चाहिए। भाषा सरल, शुद्ध और स्पष्ट हो। जो भी आप सार लेखन जब भी लिखेंगे उस समय आप अपनी बात को बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से लिखेंगे। पांचवा बिंदु है क्रम के साथ प्रवाह बना रहे, यानी एक लाइन ऊपर से एक लाइन नीचे से ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आपको सार लिखना चाहिए। अब जानते हैं कि हमें सार लेखन के लिए कुछ आवश्यक प्रक्रिया होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला बिंदु है अवतरण को 3-4 बार पढ़ें। जो भी आपको अनुच्छेद दिया हुआ है सार लिखने के लिए उसको आप 3-4 बार अच्छे से पढ़ें और उसे समझें। अगला बिंदु है अनावश्यक शब्दों एवं वाक्यों को रेखांकित कीजिए। जो बातें या जो वाक्य आवश्यक नहीं है उन्हें रेखांकित कीजिए। विचारों के तारतम्य की रक्षा करें। अगला बिंदु है केंद्रीय भाव को खोजें, यानी मुख्य बिंदु, मुख्य बात उसमें क्या कही जा रही है उसे आप ढूंढें। पांचवा बिंदु है अपनी ओर से कुछ ना जोड़ें, कोई भी शब्द कोई भी लाइन अपनी तरफ से ना जोड़ें। छठा है विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण को अलग कर दें। सातवां बिंदु है वाक्य खंडों को शब्दों में बदल दें। पूरे पूरे वाक्य को, वाक्य का आप एक शब्द बना दें। और अगला बिंदु है परीक्षा कथन को अन्य पुरुष में बदल दें। लंबे वाक्य को छोटा कर दें। और दसवां बिंदु है कि एक भाव की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, एक ही लाइन आप बार बार ना दोहराएं। ये तो थी आवश्यक प्रक्रिया। अब केंद्रीय भाव जाने इसका कि केंद्रीय भाव क्या होता है। प्रत्येक रचना में चाहे वह गद्य हो अथवा पद्य, एक मुख्य या प्रधान भाव निहित होता है जिसे केंद्रीय भाव कहते हैं। इसी केंद्रीय भाव पर पूरी रचना आधारित होती है। यह केंद्रीय भाव ही शीर्षक को जन्म देता है, अर्थात सी के आधार पर
रचना का शीर्षक निर्धारित किया जाता है, यानी कि जो केंद्रीय भाव होता है उस पर ही शीर्षक हमें ढूंढना होता है, उसी केंद्रीय भाव पर हम शीर्षक निर्धारित करते हैं। केंद्रीय भाव को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे संपूर्ण रचना या अवतरण को एकाग्रचित होकर पढ़ना, उसके मुख्य मुख्य अंश को रेखांकित कर लेना चाहिए, फिर उसमें से भी पुनः विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण अंशों को चुन लेना चाहिए। मुख्य मुख्य बातों को क्रमबद्ध रूप से नोट कर लेना चाहिए, यानी जो मुख्य मुख्य बातें हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं उस गद्यांश के अंदर या पाठ के अंदर, उनको आपको अलग करके लिख लेना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से लिख लेना चाहिए। केंद्रीय भाव पूरे अवतरण का एक चौथाई भाग होना चाहिए। और सारांश में कई वाक्य आते हैं, सार में कुछ वाक्यों का प्रयोग होता है, तथा केंद्रीय भाव एक वाक्य में ही लिखा जाता है। केंद्रीय भाव एक वाक्य में ही लिखा जाता है। केंद्रीय भाव की भाषा स्वयं छात्र की होनी चाहिए, उसमें अनुकरण नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, आपने जाना कि बड़े से बड़े वक्तव्य को या व्याख्यान को या बड़े से बड़े बात को अगर हम छोटी करके या सूक्ष्म करके लिखते हैं या बताते हैं तो उसको सार कहते हैं। तो आपने जाना कि सार लेखन के अंदर एक मुख्य बातें मैंने आपको बताए, मुख्य बिंदु आपको बताए, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि हमें जितना भी पाठ दिया हुआ हो सार लिखने के लिए, चाहे एक चैप्टर हो या एक गद्यांश हो, हमें उसका एक तिहाई भाग ही सार में लिखना है, और मुख्य मुख्य बातें हमें सार में लिखनी है, और कोई भी बात हमें अपनी तरफ से जोड़कर नहीं लिखनी है। तो बच्चों, सार लेखन की ये मुख्य बातें आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इन्हें याद भी कीजिए। धन्यवाद।